सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। फिलहाल अभी अपन हमारे जो सिलेबस है उसके बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हैं। हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है, इट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है इस पे भी एक बार नजर डालिए। हाउ कैलमिटीज अफेक्ट फूड सिक्योरिटी, जो नेचुरल कैलमिटीज होती है वो किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है। तो थोड़ा बहुत इसको अपन ने समझा था लास्ट वीडियो के अंदर, अभी हमारा जो टॉपिक है वो पूरा इसी के ऊपर है। ठीक है, तो क्विकली बच्चों इसको अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना है। ठीक है, तब तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हुआ ये कि हमारे यहाँ पे बहुत तेज बाढ़ आ गई। ठीक है, अब जैसे ही बाढ़ आई तो बाढ़ आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, देखी एज एन फील नहीं करी होगी, लेकिन आप फोन में टीवी में कहीं तो देखी होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि सारी चीजें बर्बाद हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग जस्ट डिस्ट्रॉय। ओके, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि भाई बाढ़ आई, उसके बाद में हमारे पास में जो फूड ग्रेन्स थे, अवेलेबल फूड ग्रेन्स थे, वो भी सब यहाँ पे क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, सब बह गए। या फिर अगर कोई खेती चल रही थी, कहीं एग्रीकल्चर हो रहा था, फूड ग्रेन्स यहाँ पे बनने वाले थे, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन या जो भी हो रहा था, वो सब क्या हो गया, बाढ़ की वजह से सब पूरी तरीके से तबाह हो गया। ठीक है, तो अब अपने पास में जो अवेलेबिलिटी है बच्चों, वो क्या रह गई, वो कम रह गई। ठीक है, अब देखो, कम चीज को ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना इज द चैलेंज ओवर हियर। हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इन पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए खाना हमारे पास में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अगर अभी आपसे कहा जाए कि भाई बच्चों ये चॉकलेट है, ठीक है, ये डेरी मिल्क चॉकलेट है, ये चॉकलेट को आप चार लोग आपस में बांट लीजिएगा, आप क्या करोगे, आप ओ भाई होशियार, आप क्या करोगे कि आधी चॉकलेट तोड़ोगे और फिर आधी खुद खाओगे। ठीक है, और आधी में से फिर तीन कप आती करोगे, ऐसा करोगे ना आप? नहीं, ऐसा मत करना। एक वो एकदम से मुझे ना एक वो मूवी का वो सीन याद आया, एक तेरी एक मेरी दो तेरी, मतलब वो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, वो जो सीन था जिसमें, मतलब अब एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ समवॉट वो एकदम से मुझे क्लिक हुआ। पर मुझे पता है मूवीज वगैरह आप लोग बहुत ज्यादा देखते हो और आप लोगों ने कहीं ना कहीं उसको क्लिक कर लिया। अगर क्लिक कर लिया तो फटाफट उस मूवी का नाम बताओ यार कॉमेंट सेक्शन में, मुझे जानना है कि उस मूवी का नाम क्या था, मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा। चलो वापस से आते हैं इधर, मूवी का नाम जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि आप लोगों ने क्या किया, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर ली चॉकलेट। ठीक है, इसी तरीके से पॉपुलेशन क्या है हमारे पास में, ज्यादा है। अब हमारे पास में पोर्शन कितना है, कम है। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे चीज ऐसी होगी कि कम जो चीज होती है हमारी इकोनॉमी में, उसकी प्राइसेस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। समझ लो, उसकी प्राइसेस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो जैसे ही उसकी प्राइसेस हाई होगी तो सिर्फ वो ही व्यक्ति उसे खरीद पाएगा जो कि उसे इजिली अफोर्ड कर सकता है, जिसके जेब में उतने पैसे हैं। बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग से मेरा मतलब है कुछ ऐसी भी पॉपुलेशन है ना जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे अब? ठीक है, तो फिर ये लोग क्या होते हैं, ये लोग फिर जो इनको मिलता है सड़ा गला पुराना गंदा, वो लोग ये कंज्यूम करते हैं और उससे क्या होता है, वीक होते हैं, बीमार होते हैं। ठीक है, भुखमरी का शिकार होते हैं। तो भुखमरी फिर काय में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, फेमाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेथ रेट जो है वो बढ़ने लगती है। ओके, सो इसको थोड़ा सा देखो अपन समझते हैं। ठीक है, सो देखो, ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स डिक्रीजेस व्हिच लेड टू फूड स्कैर्सिटी इन दैट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, नेचुरल कैलमिटी जो कि अपन ने यहाँ पे क्या अज्यूम करा कि भाई यहाँ पे आया फ्लड। ठीक है, फ्लड के आने से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रॉप्स। सो बच्चों यहाँ पे जो क्रॉप्स हुई है वो डिक्रीज हो गई। ओके, विच लेड टू फूड स्कैर्सिटी इन दैट एरिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से कमी हो गई, स्कैर्सिटी हो गई। स्कैर्सिटी यानी कि, स्कैर्सिटी यानी कि कमी। ओके, तो फूड की वहां पे कमी हो गई। ड्यू टू स्कैर्सिटी फूड प्राइसेस राइजेस अप। ठीक है, अब यहाँ पे कमी की वजह से यानी कि स्कैर्सिटी की वजह से जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस चीज को आप रिलेट कैसे कर सकते हो, जैसे देखो, सो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था बच्चों कि जो वैक्सीनेशन थे, ठीक है, जो वैक्सीन्स थी उनकी कमी थी। ठीक है, तो उनकी प्राइसेस कितनी थी, बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, तो जो भी चीज इकोनॉमी में कम होती है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे फूड ग्रेन्स की क्या थी बच्चों, स्कैर्सिटी थी, इसी वजह से उसकी जो प्राइस थी, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी फूड ग्रेन्स की। ठीक है, एट दिस पॉइंट सम डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी डिप्राइव ऑफ फूड। अब इसकी वजह से कुछ ऐसे सेक्शन हैं हमारी कंट्री के, हमारी सोसाइटी के, जो कि क्या फेस करेंगे, डिप्रिवेशन फेस करेंगे।
ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ फूड, ठीक है. और ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं बिलो पुवर्टी लाइन पॉपुलेशन, ठीक है. बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है जो कि खाने को अफोर्ड नहीं कर पाएगी. ये तो हैं, लेकिन अब इनके साथ में पता है और लोग कौन हैं? और लोग वो भी इसमें कुछ कुछ इंक्लूडेड है जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे, ठीक है. ये हमारी पॉवर्टी लाइन थी बच्चों. ये कौन हो गए? ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन हो गई, ठीक है. अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है, लेकिन कैलेमिटी की वजह से हुआ क्या कि इनका सारा जो भी ये अफोर्ड कर सकते थे वो अब ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो ये भी अब कहाँ पे आ जाते हैं? ये भी अब इस सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कुल मिलाकर के नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ये जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. अब पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस बढ़ती हुई कीमत को अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो इफ द कैलेमिटी एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, अब अगर ये जो कैलेमिटी है यानी कि अब ये जो फ्लड है अगर ये अभी भी लंबे समय तक चलता रहा, इट विल इवेंचुअली लेड टू स्टार्वेशन एंड फेमाइन. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? भुखमरी, फेमाइन. इट मे अल्टीमेटली लेड टू वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू वीकनेस और वीकर इम्यून सिस्टम. अब इससे होगा क्या? जो डेथ रेट है ना बच्चों वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि भुखमरी हो गई, बहुत से लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गरीब लोग बेचारे. तो जो भी लोग हैं जो इसे इस खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो फिर क्या खाएंगे? कुछ भी, जो भी बहुत दिन पुराना उन्हें मिल गया वो खा लिया, ठीक है. तो मतलब जैसा उन्हें मिलेगा वो वैसा खा लेंगे. उससे क्या होगा? बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ लोगों को बेचारे को मिलेगा ही नहीं तो वो भुखमरी से खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग कुछ गंदा खा लेंगे तो उससे उनका तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर जैसे भी, ठीक है. बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जो कि इस पॉइंट पे सर्वाइव करेगा. ओके, सो आई होप कि यहाँ पे ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है. तो बस इतना सही था आपका आज का ये वीडियो. सिर्फ मुझे यही चीज आपको समझानी थी कि भाई नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे फूड सिक्योरिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है. ओके, सो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा वीडियो है. तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में. आज के टाइम में क्या कहते हैं? स्क्वाड. तो अपने स्क्वाड के साथ में इस वीडियो को फटाफट से शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. थैंक यू सो मच.